हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की क्विज, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की चल रही है। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग के दिन अच्छी अच्छी होनी चाहिए और हैप्पी हैप्पी भी। तो काफ़ी लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब बस थोड़ी बहुत बाकी है। इट मीन्स कि पॉलिटिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो देख लेंगे। फिर स्टेट है, डिफेंस है, सिक्योरिटी, तो ये सब में सारी ज़्यादा क्वेश्चन होती नहीं है आपकी, एक दो मैं लेसन में जल्दी ही निपटा दूंगी। ओके, तो रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी होगी और प्ले लिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। और UPPCS में जाने से पहले ये वाली जो मेरी क्वेश्चन वाली सीरीज़ है ज़रूर देखते रहिएगा। और साथ ही साथ आप लोग के लिए UPPCS स्पेशल सीरीज़ भी चली, जिसमें कि एक प्रैक्टिस सेट आ चुकी है आपकी। मैं पॉलिटी की करंट अफेयर्स को मर्ज कर चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा। योजना भी इस बार आपको दे चुकी हूँ, तो उसमें अमरूत मिशंस के बारे में काफ़ी अच्छी वहाँ पे आपको फैक्ट्स एंड फिगर मिलेगी, देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो आइए हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको टोटल 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर ज़रूर दे लीजिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल आउट ऑफ 7 आप लोग की कितनी मार्क्स आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी फॉलोइंग है जो कि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट है, वो भी इंडिया से, जिसको कि यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड की गई है। तो आपको करेक्ट बतानी है। दो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक तो आपकी टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज होती है और दूसरी इनटेंजिबल होती है। तो टेंजिबल कहने का मतलब होता है कि जिस चीज़ों को हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। इट मीन्स कि ऐसे आप लोग जितनी भी, जैसे ताजमहल हो गई, आपकी लाल किला हो गई, तो ये सारी चीज़ें जिसको आप लोग अपने हाथ से टच करके आप लोग देख सकते हो, फील कर सकते हो, रह सकते हो वहाँ पर, है ना, ये सारी चीज़ें होती है। इनटेंजिबल कहने का मतलब है कि वैसी बहुत ही स्पेशल चीज़ जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते हो, बस उस चीज़ों को आप लोग फील कर सकते हो। जैसे कुंभ मेला है, तो कुंभ मेला में आप लोग किस चीज़ को टच करोगे, वो बस एक मेला है जो कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही भव्य होता है, काफ़ी दिनों तक चलता है, तो उसमें आप लोग फील करते हो, घूमते फिरते हो, है कि नहीं, तो वो वाली चीज़ होती है। तो टेंजिबल इनटेंजिबल में यही एक माइनर डिफरेंस है। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पर टॉपिक देख लीजिए कि कौन कौन यहाँ पर आपकी इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड की गई है। कुटियाट्ट और रामलीला, या फिर काल बेलिया फॉक डांस, या फिर मुडियेटू। तो इसमें से आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या इट मीन्स फिर यानी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है डी। इट मीन्स कि यहाँ पे चारों है जो कि इनटेंजिबल है। ये आपका एक फॉक डांस है, डांस भी होता है जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते, आप लोग देखते हो जब कोई भी परफॉर्म करते हैं। रामलीला है, एक तरीके का आपका स्किट होता है। उसके बाद ये कुटियाट्टम और मुडियेटू, ये सब वही तरीके की है, यहाँ पर आपका डांस वगैरह होता है। तो इसमें आप लोग किसी को टच नहीं कर सकते हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप लोग इंडिया से देखोगे तो इतने आपके इंटेंजिबल है जिसको आप लोग एक बार देख लो। वैदिक चैंटिंग है, रामलीला है, कुटियाट्टम है, एक संस्कृत थिएटर है, रमन है, एक रिलीजियस फेस्टिवल है, मुडियेटू की बात करें तो एक रिचुअल थिएटर है, काल बेलिया फॉक सॉन्ग की बात करें या फिर डांस की बात करें तो ये राजस्थान की है, छाव डांस है, साथ ही बुद्धिस्ट चैंटिंग है लद्दाख की, और संस्कृत तानक है, और यहाँ पे आपकी ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट है जो कि यूटेंसिल्स से बनी होती है, योगा है, योगा भी आपकी इंटेंजिबल है, कुंभ मेला भी इंटेंजिबल है, साथ ही नौरोज है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंटेंजिबल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सेकंड क्वेश्चन है हमारी, और ये है टेराकोटा ग्रिंडर के ऊपर। इसमें आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि टेराकोटा ग्रिंडर जो है ये आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सेकंड है कि इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेस्टेड को ग्राइंड करने में और पॉटरी आइटम्स को तोड़ने के लिए, जिससे कि हम लोग फिर से पॉटरी को बनाने में इसको रीयूज़ कर सकें। तो इसमें आपको बताने कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, बोथ, या फिर नन। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी। इट मीन्स कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे सिर्फ करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ जो कमीशन है वो अभी लॉन्च की थी फर्स्ट एवर टेराकोटा ग्राइंडर, और ये एक तरीके का मशीन है जिसमें कि आपके जितने भी पॉटरी आइटम्स के जो भी वेस्टेज हैं उसको यहाँ पर तोड़ा जाएगा और उसको फिर से पॉटरी मेकिंग में फिर से रीयूज़ की जाएगी। ओके, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में, जो कि है आपकी यहाँ पे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है। फर्स्ट है कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर वर्क करती है, और यहाँ पे आपका मैंडेट है कि जो भी हम लोग की इंडिया की वास्ट नेचुरल बेल्ट और कल्चरल हेरिटेज है उनको प्रोटेक्ट करनी है, कंजर्व करनी है। इनटेक की बात करें तो वो यहाँ पे आपकी जितनी भी इंटेंजिबल हेरिटेज है उनके साथ इसको कंजर्व और प्रिजर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जो है इनटेक को अवार्ड की है एक स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस का, जो कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को दिया गया है। ओके, तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी। इट मीन्स कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पे इनकरेक्ट है। तो देख लेते हैं कि इनकरेक्ट क्यों है।
तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड यहाँ पे कल्चर हेरिटेज है, जो कि नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहाँ पे सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अंदर इसको रजिस्टर किया गया है। आज के डेट में आप इंटेक देखोगे तो इसको वन ऑफ द वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन के जैसा रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसमें 190 चैप्टर्स है, और अगर हम लोग 31 ईयर्स पास देखें तो इंटेक जो है यहाँ पे आपके जितने भी हमारे नेचुरल जो आपके हेरिटेज है और इनटेंजिबल है सबको यहाँ पे कंजर्व और प्रिजर्व किया जाता है। ओके, उसके बाद हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है, और ये बहुत सारे डिवीज़न में भी वर्क करती है। 2007 की बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो है इसको अवार्ड भी दी थी। तो ये एक आपका बेसिक सा क्वेश्चन हो गया जो कि आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका जो वर्क करती है ये आपका इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर, ये जो इंटेक है ये आपका नॉन प्रॉफिट है, ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर वर्क नहीं करती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दिया गया है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ओके, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर में, जो कि है मलचा महल। तो ये मलचा महल के बारे में दो स्टेटमेंट है आपको बताने की, करेक्ट कौन सी है। मलचा महल जो है यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई थी आगरा में। सेकंड है कि आज के डेट में जो है ये बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ही सालों से, सदियों से, डिकेड मीन्स 10 सालों से, ये काफ़ी डिकेड से इसको नेग्लेक्ट किया जा रहा था, इसलिए आज के डेट में ये बर्बाद हो चुकी है। तो इसमें से कौन सी सही है, फर्स्ट, सेकेंड, बोथ या फिर नन? तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी, इट मीन्स कि सेकेंड ये सही है लेकिन फर्स्ट नहीं, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो 14th सेंचुरी के थे उन्होंने हंटिंग की थी मलचा महल, जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है निगलेक्शन के कारण, और आज के डेट में जो है इसको रीस्टोर किया जा रहा है। जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी रिसीव कर चुकी है कुछ प्रपोजल, जो कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के द्वारा यहाँ पे लिया गया, इनटेक के द्वारा, किस तरीके से मलचा महल को फिर से रीस्टोर करना है। मलचा महल की बात करें तो 14th सेंचुरी की हंटिंग लॉज है, जो कि यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको बनाया गया था, और इसको ऑक्यूपाई किया गया था 1985 से 2017 तक बाई ए मेम्बर ऑफ फैमिली, जो कि क्लेम करती है कि वो अवध रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रही है। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि ये आपका आगरा में नहीं है, ये दिल्ली में है। ओके, सेकंड यहाँ पे सही है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि है यहाँ पे आपकी स्लेव ट्रेड के बारे में। तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है, फर्स्ट है कि जो स्लेव ट्रेड है वो ऑफिशियली इंडिया में बैन है, वो भी 1917 में, वो भी ब्रिटिश के जो इंडियाज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें, जब यहाँ पे आपको फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि महात्मा गांधी है उनको प्रेशर लगने लगा था। जो स्लेव आपके रूट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे यूनेस्को से है, जो कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग यानी कि स्लेव ट्रेड जो है उसको समझने में यहाँ पे आपका इन्हेंस हुआ, स्लेवरी को समझने लगे, जिससे कि सारे कॉन्टिनेंट्स को यहाँ पे अफेक्ट होता था। उसके बाद काफ़ी यहाँ पे अपहीवल यहाँ पे आपका जो है कॉज्ड होता था, जिसके थ्रू हम लोग मॉडर्न सोसाइटीज़ को आज के डेट में शेप कर पा रहे हैं। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, फर्स्ट, सेकेंड, बोथ या फिर नन? तो इसमें जो करेक्ट है वो है बोथ, यानी कि बोथ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 1998 की बात करें तो यूनेस्को जो है डेजिग्नेट करी थी इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड एबॉलिशन टू कमेमोरेट द ट्रेजेडी ऑफ स्लेव ट्रेड इन द मेमोरी ऑफ ऑल द पीपल। यूनेस्को जो है इस्टेब्लिश यहाँ पे किए गए हैं कि इंटरनेशनल इंटर कल्चर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है स्लेव रूट। ओके, और स्लेव ट्रेड जो है ये इंडिया से थी, काफ़ी लोगों को यहाँ पे स्लेव बनाकर जो है काम कराया जाता था दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट पे, तो यही सारी बात यहाँ पे कही जा रही है। सिक्स क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, जो कि है सेंट्रल एडवर्स लिस्ट के बारे में। इसमें आपको करेक्ट बतानी है, फर्स्ट है कि जो सेंट्रल एडवर्स लिस्ट है ये एक तरीके का इंडिविजुअल का लिस्ट है, जो कि यहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे 1980 में और 90s में, और इंडिया को छोड़कर चले गए थे बाहर कि वो असाइलम ले लेंगे। सेकेंड है कि ये जो लिस्ट है यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा बनाया गया। थर्ड है कि जो लिस्ट है वहाँ पे आपके इंडिविजुअल का नाम है, जो कि यहाँ पे सस्पेक्ट लगाया जा रहा है कि उनका कोई टेरर आउटफिट के साथ लिंक है, और वो यहाँ पे वीज़ा नॉर्म्स को वायलेट कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस पहले भी इंडिया आ चुके हैं। तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी, इट मीन्स कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है लेकिन सेकेंड यहाँ पे इनकरेक्ट है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं है, जो कि इस तरीके की लिस्ट को यहाँ पे बनाती है, जो भी लोग यहाँ पे खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते थे 1980 और 90s में और इंडिया छोड़ के चले गए थे जिससे कि उनको बाहर असाइलम मिल जाए, तो उन सबको यहाँ पे जो है इस तरीके की लिस्ट में रखा गया था, जिसका नाम है सेंट्रल एडवर्स लिस्ट। ओके, अभी तक देखोगे तो यहाँ पे 312 सिख हैं जो कि इंडिया से बाहर जा चुके हैं। ओके, तो गवर्नमेंट जो है यहाँ पे आपकी रिव्यू कर रही है एडवर्स लिस्ट को, और यहाँ पे जो है जस्ट टू यहाँ पे डाउन की है, जो कि आज भी सस्पेक्ट किए जा रहे हैं कि उनका टेरर आउटफिट से कनेक्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट, दीवाने खैरत। ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो ये है क्या दीवाने खैरत, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव है, या फिर रेस्ट हाउस फॉर मर्चेंट है, हॉस्पिटल्स फॉर ट्रैवलर्स है, या फिर ऑफिस ऑफ चैरिटी है? तो ये है क्या, करेक्ट आंसर है डी, इट मीन्स कि ऑफिस ऑफ फॉर चैरिटी है। कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिया गया था, तो दीवाने खैरियत को यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि यहाँ पे ऑफिस फॉर चैरिटी। ओके, उसके बाद आप देखोगे कि दीवाने
बुंदागन को यहाँ पे बनाया गया था जो कि था डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। उसके बाद आपका जो है सरियास यानी कि रेस्ट हाउस को यहाँ पे बनाया गया था मर्चेंट और ट्रैवलर्स के लिए। फिर एक इकतादारी जो फ्रेमवर्क है उसको अडॉप्ट किया गया था। फिर फोर न्यू यहाँ पे टाउन्स जैसे कि फिरोज़ाबाद, फतेहबाद, जौनपुर और हिसार को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। फिर कुछ हॉस्पिटल को भी इस्टेब्लिश किया गया था जिसको कि दारुल शिफा या फिर बीमारिस्तान कहते थे और शिफा खाना भी कहते थे। ओके, तो ये सब है जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। तो काफ़ी अच्छी डेटा है जिसको आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो और ये सारी चीज़ों से डायरेक्ट आपकी क्वेश्चन भी पूछी जाती है। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे हमारी 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गई है। आप लोग की कितनी आंसर यहाँ पे सही हुई, क्योंकि क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड बहुत अच्छी थी आप लोगों को भी पता है, तो बताइएगा ज़रूर। और नेक्स्ट हम लोग स्टेट्स देखेंगे कि स्टेट्स में कौन कौन से और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू।